बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर हम स्टार्ट लेते हैं आज क्लास का। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग जो है ना सारे ऑथराइज हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं जब आपने क्वेश्चन करना हो। तो पहले तो ये है कि देखिए, हमने जो डिस्कस किया था असाइनमेंट में, उसमें तीन चीज़ें थी, ठीक है। एक आपने एफिलिएट की नीचेज या कीवर्ड्स, ठीक है, नीचेज मीन्स टॉपिक्स, आसान कर देते हैं बात को, वो आपने जो है ढूंढने हैं। और इसके अलावा जो है वो एफिलिएट की जो है कीवर्ड्स या नीचेज ढूंढनी है या टॉपिक्स ढूंढने हैं जिन पे हम काम कर सकें। तीसरा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बेसिकली वो एडसेंस के अंदर ही आता है, उसी की सब कैटेगरी है, लेकिन चूँकि एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि इजीली रैंक हो जाती है, उस पर काम करना बहुत आसान है न्यूबीज के लिए, या आप लोग चूँकि फर्स्ट टाइम अगर काम करेंगे तो मोड एपीके इसलिए सजेस्ट किया जाता है या एपीके के, उस पर काम करना बहुत आसान है कि आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक हो सकती है। तो इसलिए आपको एक तीसरी जो कैटेगरी बताएगी वो मोड एपीके बताएगी, कि उसके अंदर भी आपने नीचेज फाइंड करने हैं या टॉपिक्स फाइंड करने हैं। तो उसमें तीनों को अलग अलग मेथड्स भी बताए गए थे कि कैसे किया जा सकता है। वो हमने देखा था कि आपने अगर एफिलिएट के फाइंड करने हैं कीवर्ड्स, तो आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके डिफरेंट कैटेगरीज में देख के आइडिया लग, मतलब आपको मिल सकता है कि मैंने क्या चीज़ सर्च करनी है, वो फिर आप सर्च करें गूगल में, बेस्ट साथ लगा दें, ठीक है ना। टॉप भी लगा सकते हैं, टॉप फाइव, टॉप थ्री, और इस तरह आप उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आप एचरेफ में जाके वहाँ पे कंटेंट एक्सप्लोरर के अंदर बेस्ट का कीवर्ड जो है उसको सर्च करके फिर उसको फिल्टर आउट करके आप डिफरेंट जो है नीचेज निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी कुछ भी जहन में आ जाए आप नेट पे सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं बेस्ट लगा के, या गूगल इंस्टेंट पर मैंने बताया था कि आपने बेस्ट लिखा, बेस्ट लिख के आपने उससे आगे ए लिख दिया, थोड़ा स्पेस दे के डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे गूगल में, फिर उसके बाद बेस्ट बी कर दिया, बेस्ट सी कर दिया, इवन यहाँ तक हो सकता है कि बेस्ट फिर ए उसके साथ, ए के साथ बी, ए बी ए सी ए डी, इस तरह मल्टी यानी नंबरस ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एडसेंस की। वो मैंने आपको नीचेस वगैरह भी भेजी थी, वहाँ से भी आप आइडियाज ले सकते थे। दो फाइलें थी मैंने आपको भेजी थी, एक जो है वो पीडीएफ में थी और एक जो है वो मेरे ख्याल एक्सेल की वर्ड शीट थी, उसमें भी नीचेस जो है वो मेंशन थी, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यानी एक डिफरेंट उसमें तरीकेकार हो सकते हैं। फिर ये कि अगर एक कीवर्ड आपको अपनी मर्जी का यानी मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें साइट जो है ना ऐसी कोई नहीं है जो कि डी ए जिसका 30 से कम हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने सर्च किया, लेकिन ये है कि वो जो कीवर्ड है उसकी कीवर्ड जो डिफ़िकल्टी है के डी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब आपने क्या करना है कि उस कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाली आपने उसको गूगल में सर्च किया, उसमें डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई, उसमें जो सबसे कम डीए वाली है, ठीक है ना, उसको उठा लिया, और उसके बाद उसको जाके रिवर्स इंजीनियरिंग की। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है वो मैं बता चुका हूँ, मोज में भी हो सकती है, एचरेफ में भी हो सकती है। वहाँ से आपको फर्दर आगे सर्च करते करते कम डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। या फिर वहीं से आप जो हैं फिर जो कम डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स होंगे उनको आप देखेंगे, तो उनमें आपको फिर कम डीए वाली साइट्स भी मिल जाएंगी। तो ये तरीक़ेकार होता है इन शॉर्ट। तो आप में से मुझे आप बताइएगा आवाज अब बेहतर हुई है, ठीक है। अच्छा चलें, मैं इन शॉर्ट जो है ना थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, बाकी आप लोग जो है ना इसको रिकॉर्डिंग में भी देख सकेंगे। लेकिन ये कि चूंकि हम आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। तो उसमें यह है कि हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। बेस्ट जो है देखें एफिलिएट है,
एडसेंस है और मॉड एपीके है, ठीक है। और ये हमारे जो है ना तीन जो है वो कैटेगरीज हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है, जिसपे आपने वो असाइनमेंट करनी है, ठीक है। तो कुछ निचेज आपने फाइंड करनी है एडसेंस की, ठीक है, और कुछ फाइंड करनी है आपने एफिलिएट की, कुछ फाइंड करनी है आपने मॉड एपीके की। मॉड एपीके इसलिए बताया गया है कि उसको रैंक करना आसान होता है, ठीक है। वैसे वो एडसेंस की सब कैटेगरी है, लेकिन ये कि वो आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि उस पर काम करना आसान है, तो हम उसको थोड़ा सा स्टार्ट में एज ए न्यूबी काम करेंगे तो हमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, ठीक है, जल्दी हमारी साइट रैंक हो सकती है। दूसरा एफिलिएट का बताया था, एफिलिएट के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप एचडीएफ से भी निकाल सकते हैं, कोई जहन में आइडिया आ गया, घर की चीजें आप नोट करें कौन सी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना। सोफा नजर आ सकता है आपको, घर में डीप फ्रीजर नजर आ जाएगा, घर में लैपटॉप नजर आएगा, घर में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नजर आ जाएंगे, घर में और डिफरेंट टूल्स नजर आ सकते हैं, उनके साथ बेस्ट लगा के आप सर्च कर सकते हैं। आप अमेजोन की वेबसाइट से जाके डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट आइटम्स देख के आइडिया निकाल सकते हैं। आपको हमने कुछ लिस्ट दी थी निचेस की, एक एक्सेल की शीट थी, एक पीडीएफ की शीट थी, उसमें से आप देख सकते हैं। आप एचडीएफ में जाके बेस्ट लेके कंटेंट एक्सप्लोरर में जाके फिल्टर कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को, और वहां से आप बेस्ट वाली जितनी चीजें आएंगी वहां से आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट मेथड में थोड़ा सा काम करना होगा, और ये मैंने जैसे आपको बता दिया कि 70% जो हमारा रिजल्ट है एसईओ के अंदर वो आपका निच या कीवर्ड या टॉपिक सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपने टॉपिक सही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो हम इंशाल्लाह हमारा समझे 70%, बाकी 30% जो है वो आसान है, ठीक है। इसलिए हम इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगाते हैं कि चीजें यहाँ क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई जो है ना एम्बिग्यूटी ना हो। तो मैं इंशाल्लाह अभी डिस्कस करता हूँ डिफरेंट जो है ना कि हम कैसे कीवर्ड्स को थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, आपके सामने हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। तो एडसेंस में भी देखें डिफरेंट, एडसेंस में मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, एडसेंस में हमें टायर वन कंट्रीज की कोई टेंशन नहीं है कि वो टायर वन कंट्रीज ही हो। एडसेंस में कोई भी कंट्री हो सकता है, वो इंडोनेशिया भी हो सकता है, वो इंडिया भी हो सकता है, वो बांग्लादेश भी हो सकता है, हमें तो सिर्फ सर्च वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वहां ना आप कुछ ऐसे कंट्रीज को जाके टारगेट करें या देखें जिनमें यानी जो इतने ज्यादा ना उनकी यानी मार्केट टैब नहीं होती, अनटैब्ड होती है। जैसे अगर आप अमेरिका या यूके को देखेंगे ना, वो जरा वहाँ कंपटीशन काफी ज्यादा होगा, उसके मुकाबले में अगर आप इंडिया में चले जाएंगे ना, इंडिया में आप सोचें ऐसे वर्ड जो रोमन में लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ना जैसे नौकरी है NAUKRI नौकरी, आप नौकरी को जाके सर्च करेंगे तो आपको इंडिया में आपको हजारों जो है ना निचेज मिल जाएंगे एडसेंस की, टेंशन ही कोई नहीं। इंडिया की आबादी जो है वो चाइना के ऑलमोस्ट करीब करीब है, यानी चाइना की जो है ना अगर 1,40,00,000,000 है मिसाल के तौर पर, तो इंडिया की 1,30,00,000,000 है, कोई फर्क नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो वहां इतनी सर्चेज हैं, इतनी निचेज आपको सिर्फ इंडिया में ही मिल जाएंगी सैकड़ों, जो कि अनटैप्ड होंगी, जिनको अभी तक कोई कंपटीशन भी नहीं होगा, और वो आपको आपने इस तरह ही करना है कि इंडिया की जस्ट मैंने मिसाल दी समझाने के लिए, आप ऐसे कंट्रीज को देख सकते हैं एडसेंस के अंदर जो कि यानी इतना ज्यादा जो है ना जिनको टायर वन कंट्रीज में ना हो, लेकिन चले वहां जो है ना आप जो है इस तरीके से थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आबादी वगैरह यहाँ की ज्यादा हो, टायर वन में ना हो, इंग्लिश वहां की अगर वैसे जुबान नहीं भी है तो कम से कम चले वहां की एक तरह की यानी गवर्नमेंट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे थोड़ी बहुत यूज की जाती है। जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान इंग्लिश हमारी कौमी जुबान तो नहीं है लेकिन इस्तेमाल हो रही है भारत, इसी तरह जो है वो आप बांग्लादेश को देख सकते हैं, आप जो है ना इस तरह और बहुत से इंडोनेशिया है जिस आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, और बड़े मुल्क हैं, ठीक है ना, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो थोड़ा सा आइडिया लेने वाली बात है। आप थोड़ा सा इस पे देखें, नेटवर्थ हो सकता है, बिल्स हो सकते हैं, वहां का जाके देखें कि बिल्स वगैरह कैसे कैलकुलेट होते हैं, कन्वर्टर्स पे आप काम कर सकते हैं, कन्वर्टर्स जो है उस पर एडसेंस की बड़ी नीचेज हैं, टूल्स जो है तो कन्वर्टर्स होते हैं, जैसे एक टाइप की फाइल से दूसरे टाइप की फाइल जो बनाई जाती है इसको कन्वर्टर्स कहते हैं, तो उन पे काम हो रहा है बहुत ज्यादा, वो एडसेंस के नीचे में मिल जाता है, ठीक है ना। तो फिल वक्त आप अगर कोई मैं आपको चले स्क्रीन शेयर करके ना एडसेंस हाँ
हाँ देखिए इसमें ये होता है ना कि केडी जो है ना, मैं आपको बताया केडी हाई होगा, आपने क्या करना है, आपने उसको रिवर्स करना है जाके, ठीक है ना। मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूँ, एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैं एडसेंस से स्टार्ट लेता हूँ, आप एडसेंस में थोड़ा सा इश्यूज का कह रहे हैं ना, मैं आपको एडसेंस की बात। मैंने ओवरऑल स्क्रीन शेयर की है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। मुझे आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि स्क्रीन आपको नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा देखिए ये एक ये लिस्ट थी, ठीक है, आपको लिस्ट नजर आ रही है ना, तो आपने क्या करना है, ये जो है ना, ये वाली लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक नीचेज, मैं बाकियों से इसलिए हटा रहा हूँ, चले आप कंफ्यूज ना हो थोड़ा सा आपके पास जो है ना, ताकि आप फोकस कर सकें। ये एक ये वाली लिस्ट ही आपके लिए काफी है, अगर आप इस पे गौर करें। ठीक है, मैं इसको कलर दूँ, ये इस लिस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे अगर आप देखें ना, ये जो मैंने हाईलाइट की, ठीक है, इसको मैं दोबारा से जो है ना अनसेट करता हूँ, क्योंकि तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन ठीक है, इस कॉलम की बात करूँ, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक नीचेज, अगर इसको आप देखते जाएं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ना कि कीवर्ड हाई होता है, तो कम डिफिकल्टी वाले कीवर्ड कैसे ढूंढेंगे। अब मिसाल के तौर पे आप इसमें बेबी स्लीप है जैसे, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, आप उसमें ऐसा ले सकते हैं जो आपकी चले इंटरेस्ट हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कि जरूरी नहीं है। फर्स्ट आप चले इंटरेस्ट वाले देख लें, बियर हंटिंग है, बियर हंटिंग आप देख सकते हैं, बोर्डिंग हो सकता है। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट रुकिएगा, वेट कीजिए। अच्छा जी, ठीक है, मैं इसको हाइड कर दूं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, अब मिसाल के तौर पर चले हम स्क्रॉल करते हैं, कोई भी ना, बो हंटिंग हो सकती है, बॉक्सर डॉग्स हो सकते हैं, जो आपके ना यानी इंटरेस्ट, मैं देख रहा हूँ थोड़ा कि चले, जो मेरी कोई इंटरेस्ट की चीज भी निकल आए तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, कैंपिंग हो सकती है, ठीक है, आपने यानी ये लेके ना वहां सर्च करना है। मैं अभी देख बताता हूँ आपको कैसे, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लूँ, चलें चेस, ठीक है ना, चेस एक गेम है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, CHESS चेस। ठीक है, आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ पे जो है ना, हम पहले चेस का जो है ना सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं। अब देखें सर्च वॉल्यूम इसका जो है ना 33,50,000 है, ठीक है, लेकिन अब इश्यू ये आएगा इसमें कि मेरी क्लास है। अच्छा, इसमें अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं ना, तो हमारे पास अब अगला प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मिसाल के तौर पे कि हमें जो डीए वाली साइट है ना, वो हमारे पास सारी हाई है, ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, चेस गेम भी हो सकती है, चेस रूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, चेस बोर्ड भी हो सकता है, चले हम चेस रूल्स देखते हैं फिलहाल। अब चेस रूल्स में आगे, अब इसका 1,10,000 हो गया, ठीक है, चले वॉल्यूम अभी हमारा ओके है,
अब यहां अगर आप देखें तो DA-26 हमें एक साइड मिल, ये भी हमारी जो है ना क्राइटेरिया ओके हो गया, कम से कम एक वेबसाइट हमें 26 वाली चाहिए थी। अगला काम हमारा क्या है कि हम चेस रूल्स को जाके कॉपी करते हैं और हम उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देख लेते हैं, रैंकिंग कीवर्ड, कीवर्ड सर्च, यहाँ पे चेस रूल्स। अब देखें कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। हमारी कीवर्ड डिफिकल्टी एडसेंस में ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 25, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट काम क्या करना है, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम ये आ रहा है, देखें अब हम हुआ क्या, एक हमें इशू ये आया था कि हमने जब, मैं दोबारा से जाके दिखाता हूं, मैंने जब यहाँ चेस लिखा था, ठीक है, चेस लिखने से प्रॉब्लम क्या हुआ कि मुझे जो है ना मतलब हमें यहाँ सर्च वॉल्यूम तो मिल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, सर्च वॉल्यूम तो उसका इससे भी ज्यादा था, लेकिन प्रॉब्लम उसका ये था कि हमें कोई डीए वाली साइट 30 से कम नहीं मिल रही थी, ऐसा ही था ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें डीए वाली साइट तो मिल गई, ठीक है, लेकिन हमें दूसरे मसले में हम अटक गए। दूसरा मसला क्या है कि हमें अब जो वो है कीवर्ड डिफिकल्टी वो ज्यादा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग का, ताकि हम कम डिफिकल्टी वाले वर्ड्स निकाल लें। पहले देखते हैं कोई और वेबसाइट ऐसी है इसमें जिसका डीए इससे भी कम नहीं है, जी एक ही वेबसाइट है इसकी, तो हम क्या करेंगे ये वाली, तो इसका हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहां से आप कर लें कॉपी लिंक एड्रेस, इसको हम जाते हैं मोज में कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये हमारा लिंक एक्सप्लोरर है, नहीं यहां से करेंगे, यहां पे आप पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद ये याद रखें कि यहाँ एग्जैक्ट पेज की बजाय रूट डोमेन करना आपने, ठीक है, ये याद रखिएगा, रूट डोमेन होना चाहिए। ये मोज प्रो के अंदर मैं उसके लिंक रिसर्च में गया हूँ, ठीक है, और उसके ये आपको पता ही होगा पर क्या है, ठीक है। और यहाँ मैं एनालाइज कर लेता हूँ, एनालाइज किया 677 रैंकिंग कीवर्ड्स आ गए हैं। अच्छा मैं एक बार दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मैं प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ, अच्छा ये जो प्रोसेस है इसका क्या नाम है, ये जो मैं भी कर रहा हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग, वेरी गुड जोशुआ, ठीक है ना, जी जी मारिया वेरी गुड, सादिया वेरी गुड, इब्रार वेल डन, ठीक है, सलमान गुड। तो ये कि हमने ये, अच्छा और हम ये क्यों कर रहे हैं ये भी आप बता दें, हमें प्रॉब्लम क्या पेश आई थी, नहीं डीए जो है ना, डीए तो मैंने सॉल्व कर लिया था आपके सामने, हाँ केडी वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमने डीए तो फौरन ही सॉल्व कर लिया उसी वक्त, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम केडी में फंस गए, कि केडी हमें 25 या उससे कम चाहिए, और जो चेस रूल था, चेस रूल्स की जो केडी था वो बहुत हाई था, ठीक है ना, तो वो हमें मतलब पसंद नहीं आया, क्योंकि 44 पे मुकाबला करना जो है ना हम प्रेफर नहीं करते, हम कहते हैं कि कोई हम कमजोर जो वेबसाइट होगी हम उसे ढूंढेंगे और उससे हम जो है ना कंपटीशन करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि केडी जितना लो होगा इसका मतलब है कि आप कंपटीशन जीतने के चांसेस आपको उतना बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रैंकिंग कीवर्ड आके रैंकिंग कीवर्ड को आपने क्लिक कर दिया, ये आपके पास कीवर्ड आ गए, ठीक है, जस्ट यहां से एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद इस फाइल को ओपन कर लें, ये आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए हम इनको डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में। यहां से हम जो है ना थोड़ा सा, अच्छा इसके बाद जो है ना देखिए, ये हमारा मेन वो था चेस रूल्स, जिसमें 44 डिफिकल्टी आ रही थी, जिसकी वजह से हमने इसको छोड़ दिया है। अब हम वो कीवर्ड ला रहे हैं जिसमें डिफिकल्टी हमारी कम हो और सर्च वॉल्यूम भी ठीक हो। तो मैंने कहा था कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके राइट और उसके ऊपर डाउन एरो, उसके बाद आप शॉर्ट में चले जाएं, कस्टम शॉर्ट में चले जाएं, यहाँ पे आप शॉर्ट पे डिफिकल्टी कर लें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लें और ओके कर लें। हमारे पास ये जितने आगे कीवर्ड्स, ठीक है,
ये सारे के सारे 25 तक ये हमने ले लेने, ठीक है जी। 25 तक ले लिए, कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हमने क्या करना है, इन कीवर्ड्स का आप लोग बताएंगे मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा आपके साथ। चले, वेरी गुड जोशुआ। तो बाकी लोग भी एग्रीड है कि अब मैं इनका सर्च वॉल्यूम देखूंगा। ये आप लोग मुझे बताएं या मुझे किस तरह देखना चाहिए, किस टूल के जरिए। वेरी गुड, कीवर्ड एवरीवेयर बल्क के जरिए, ठीक है, ठीक है, वेल डन मारिया। तो हमने यूं करना है कि अब हम जो है कीवर्ड एवरीवेयर बल्क में जाएंगे, और एक मिनट मैं इसको हाइड कर दूं। कीवर्ड एवरीवेयर बल्क, ये हमारे पास कीवर्ड एवरीवेयर बल्क टूल है। यहाँ पे जाके मैंने वो सारे पेस्ट कर दिए, ठीक है, ये सारे के सारे पेस्ट हो गए जनाब। उसके बाद गेट मैट्रिक्स, उसके बाद हमने क्या कर दिया, मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो है ना, ये मैंने कितनी डालनी चाहिए मुझे, आप लोग बताएं। फिल्टर क्या करूं, 30,000, वेरी गुड, ठीक है जी। तो मैं जो है, वेरी गुड जोशुआ एंड वेरी गुड, ठीक है मारिया। तो अब जो है ना, हमने यहाँ पे 30,000 लेके एंटर कर दिया। लें जनाब, इतनी सी बात थी, ठीक है। आपके सामने जो है हमें 1, 2, 3, 4, 5 कीवर्ड्स मिल गए, जिनका एसवी भी ठीक है और जिनका केडी भी ठीक था। केडी तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जनाब हमने करना है कॉपी। कॉपी करके आप एक्सेल शीट में जाएं, एक्सेल शीट में जाके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये हमारे पास जो है ना, वो सर्च वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है, ये सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। आप चाहें तो इनका केडी दोबारा देख लें, ताकि आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। बजाय इसमें से आप ढूंढेंगे, आप जो है वो ढूंढना चाहे तो यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, टाइम आपके ऊपर, आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ गए, एक मिनट उसको हाइड कर लूं। हम कीवर्ड सर्च में जाके लिस्ट भी अपलोड कर सकते हैं, मोस्ट प्रो। चले, हम जो है ना मोस्ट प्रो में जाते हैं, मोस्ट प्रो, उसमें हम जाले कीवर्ड एक्सप्लोरर, ठीक है जी। ये हमारे पास कीवर्ड एक्सप्लोरर आ गया, यहाँ पे क्रिएट अपलोड न्यू लिस्ट, नेम योर लिस्ट, ठीक है, टेस्ट लिस्ट। चले, हमने टेस्ट गेम का किया था, एंटर कीवर्ड यहाँ पे आपने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये हमारी लिस्ट आ गई, इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये इतना टाइम नहीं लगाएगा, होपफुली जस्ट 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स हैं, तो ये जल्दी ही आ जाने चाहिए। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, ना हुआ तो फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि वैसे देर लगा रहा होता है, लेकिन ये लिस्ट में ला चुका होता है, शो करते थोड़ा देर लगाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि मे बी इससे कोई चले हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ये एक्सपोर्ट हो गया जी, और यहाँ से इसको खोलना पड़ेगा, और ये हम डिलीट कर लेते हैं आसानी के लिए, डिलीट हो गया। उसके बाद ये भी डिलीट कर लेते हैं, और ये हमारे पास डिफिकल्टी आ गई, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना इसको कॉपी करते हैं, ठीक है जी, और चलें पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद जो है ना, हम ये भी कर सकते हैं, चलें मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ये वो वर्ड्स है ना, यहाँ पे आप आके यूं आए, इसको जो है ना आप सॉर्ट करें, कस्टम सॉर्ट, सॉर्ट आप करें इसको कीवर्ड से, कीवर्ड में आप करेंगे जनाब A to Z, ठीक है, तो ये अल्फाबेटिकली आ जाएगा होपफुली। इसके बाद जो है ना, अब आप उसमें चले जाएं, वो जो SP वाला जो सिलसिला था, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं, और यहाँ पे भी आप जो है ना सॉर्ट कर लें, कस्टम सॉर्ट, और सॉर्ट करेंगे आप इसको कीवर्ड पे A to Z कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना यहाँ पे कॉपी करें,
और उसको वहीं ले जाएं जो जहां पे आपने मॉस के आए थे। पहले यहां एक दफा कॉपी करें ताकि कोई मिस्टेक अगर हो तो सामने आ जाए। ठीक है जी, चेस बोर्ड सेटअप, चेस बोर्ड सेटअप, और ये अब हमारे सामने आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये ठीक हो गया। यहाँ पे आप कट कर लें, कट करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर लें। तो ये हमारे पास जो है ना वो, इसको आप बेशक डिलीट कर लें। ये आपके पास डेटा कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना, देखिए डिफिकल्टी भी आ गई, सर्च वॉल्यूम भी आ गया। नेक्स्ट जो आप काम है वो बड़ा आसान सा रह गया। अब तो आप जो है ना इसमें सेटअप चेस बोर्ड जो है ले लें। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब आपने जस्ट कंट्री देखना है और उस हिसाब से आप जो है ना अपनी सेटिंग्स जो है ना उनको ठीक कर लेंगे गूगल में, और बाकी आप आई होपफुली निकाल सकते हैं। मुझे बताइए कि ये आपको क्लियर हुआ है या इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप। यानी देखें एडसेंस आपके सामने मैंने, यानी इसमें यूनिक देख लें, यूनिक इसमें कम से कम जो है ना देखें ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, दिस वन, ये और ये और ये तकरीबन जो है ना एक जैसे हैं, यूं समझ लें। और ये वाले ये दो जो है ना ये फिर एक जैसे हैं। तो इसका मतलब दो यूनिक जो है ना आपने निकाले हैं कम से कम। ठीक है ना, यानी सेटअप चेस बोर्ड आप ले लें या इन दो को ले लें, जो आप लेना चाहते हैं। चेस बोर्ड सेटअप ले लें, चेस बोर्ड सेटअप ले लिया और एक इनमें से ले लें। तो ये आपने दो कम से कम यूनिक तो हमने नीचेस निकाल ली या कीवर्ड्स निकाल लिए जिनपे कॉम्पिटिशन भी कम है, जिनका केडी भी कम है, डिफिकल्टी भी कम है, सर्च वॉल्यूम भी पूरा है, डी वाली साइट भी आपको होपफुली मिल जाएगी। ठीक है ना, आप चेस बोर्ड सेटअप ले लें मिसाल के तौर पे, और इससे आगे आप फिर बाकी डेटा कंप्लीट कर लें। तो इस तरह आपको एडसेंस की एक साइट मिलगी। ठीक है, एक मैं आपको चले इंडिया की मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा, ये तो मैंने आपको इसमें निकालना बताया ना, आप इसको एक्सप्लोर करें। जो नीचे आइडियाज लिस्ट है ना, ये चेस ये वाला मैंने किया है, इससे मैं चला था चेस से, चेस रूल्स पे पहुंचा, चेस रूल्स को देखा तो वो डीए ठीक नहीं मिला, उससे फिर हमने जो है ना रिवर्स इंजीनियरिंग की, रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने कम केडी वाले वर्ड्स निकाल लिए और हर चीज हमारी ठीक होती चलेगी। ठीक है, तो यहाँ आप और देखते जाएं। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ आप आइडिया दूंगा, मैं अभी यहां से आपको करके नहीं दिखाऊंगा। कॉफी, आप कॉफी को ले लें, उसके बाद फिर उससे मिलते जुलते आप देख लें। ठीक है ना, क्या हो सकता है। फिर जो है ना आप यहाँ पे जो है क्रॉस कंट्री रनिंग इस पे कर सकते हैं आप। ठीक है, साइकिलिंग लेके, साइकिलिंग से आप निकाल सकते हैं फर्दर आगे चीजें। ठीक है ना, लेकिन ये कि डायरेक्ट साइकिलिंग पे आपको नहीं मिलेगा, साइकिलिंग बहुत टफ नीचे होगी, इस पे केडी हाई होगा। लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने चेस का बताया था, ठीक है, जिस तरह चेस हाई केडी है तो इसी तरह जो है ना साइकिलिंग का भी हाई केडी होगा। लेकिन आपने उसमें से फिर चलना है, जैसे मैंने चेस का बताया उसी तरीके से आप साइकिलिंग को ब्रेक डाउन करके फर्दर आगे निकालेंगे। ठीक है ना, इसी तरह आप, यानी डेंड्रफ है, डेंड्रफ को आप देख सकते हैं फर्दर क्या हो सकता है। डीलिंग इन द फैमिली, ठीक है, डायबिटीज। अच्छा, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है ये आप याद रखें, जो मेडिकल टर्म्स है ना उनको आप अवॉइड करें। ठीक है जी, एडसेंस में उनको अवॉइड करें, क्योंकि जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड नीचेज हैं, हेल्थ रिलेटेड नीचेज टॉपिक्स और मनी रिलेटेड, इसमें गूगल जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो आपकी साइट जो है ना जहां दूसरी साइट आपकी 3 महीने में रैंक होनी है ना, इस पे चले जाएंगे तो शायद मतलब 2 साल में भी रैंक ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए आपने मेडिकल टर्म्स जो है, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, मनी रिलेटेड टॉपिक्स, उनको अवॉइड करना है। फिर डाइट वगैरह को रहने ही दें। हाँ, ये कर सकते हैं, डाइविंग कर सकते हैं, और जो है ना डू इट योरसेल्फ हो सकता है, इंग्रेविंग, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, एल्क हंटिंग, एक्सकेवेशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि ये चीज क्लियर है। मैं एक आपको इंडिया की भी मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो है ना आप रोमन सर्चेस कर सकते हैं। आप यूं करें ना, मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ, आप जो है ना एचरेफ में जाके आप जो है ना
चले जाएं, चले मैं आपको दिखाता हूँ। चले मैं आपको डायरेक्ट ही दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई रोमन वर्ड सोच लें, इंडिया में जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था नौकरी, नौकरी की सर्चेस देखें कितनी है। ये देखें अब आपको नजर आ रहा होगा, मैं गाइड हूँ इसने करा, ये 15 लाख जनाब जो है ना सर्चेस हैं नौकरी की इंडिया में। तो आपके लिए मतलब सर्च वॉल्यूम फिटफाट आ गया आपके पास, ठीक है। आप इसमें बाकी देख लें, DA-71, DA-53, 99, 96, नहीं भाई इसमें हमारी बात नहीं बनी। अब हम क्या करेंगे, हम इससे रेलेवेंट जो है ना देख लेते हैं, कम डीए वाली साइट देख लेते हैं, सबसे कम कौन सी है। चलो ये 46 वाली है, चलो इस पे जाके कॉपी लिंक एड्रेस किया, लिंक रिसर्च में चले गए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हमने जो है ना रूट डोमेन कर लिया, रूट डोमेन के बाद हमने एनालाइज कर लिया। ये हमारे पास 386 कीवर्ड्स आ गए, इनको हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पे आप जो है ना इसको एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे खोलें जनाब, ये वाली फाइल है, ये आ गई, ठीक है। फिलहाल जो है ना मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए चीजें। यहाँ भी मैंने डिलीट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने दोबारा से फिल्टर लगाया ताकि KD जो है हमारे पास कम निकल आए। डिफिकल्टी पे करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये हमारे पास डिफिकल्टी निकल आई, ठीक है जी। तो इधर से जो है ना अब हमने 25 तक ले गए, ठीक है जी, कंट्रोल सी। उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि अब हम जाके देखते हैं बल्क में जाके वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, हो सकता है मिले हो सकता है ना मिले, जस्ट आपके सामने जो है वो एक चेकिंग कर रहे हैं हम, कोई नहीं मिला जी, ठीक है जी। तो आपने इसके बाद नेक्स्ट पे चले जाना है, डजंट मैटर। आप जो है ना नौकरी हमने देख लिया, नौकरी के बाद और कोई वर्ड जो इंडिया का चलो मिसाल के तौर पर हम करते हैं शायरी भी हो सकता है ना, शायरी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, शायरी। अब शायरी के देखिए 22,40,000 इसकी सर्च है शायरी की, ठीक है। आप शायरी पे आप आगे पूरा जो है ना कर सकते हैं, ठीक है ना, पहले आप शायरी पे आ जाएं, शायरी पे ना मिले, शायरी इन हिंदी वाला जो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायरी इन उर्दू कर लेंगे, शायरी स्टेटस कर लेंगे, शायरी इन इंग्लिश कर लेंगे, शायरी सैड कर लेंगे, शायरी शायरी कर लेंगे, ठीक है। इन सब का सर्च वॉल्यूम ठीक है, इनमें से आप कोई भी बोलो मतलब आपको जो है ना वो उसमें मिल जाएगा, आपको ना अपने रेलेवेंट जो है ना मिल जाएगा। शायरी चलें स्पेस दे दें, शायरी ए कर लें, चलें पहला ही देख लें, 6,73,000 शायरी एटीट्यूड, ठीक है जी। चलें जी शायरी एटीट्यूड हमने ले लिया, शायरी एटीट्यूड हमने ले लिया। अब अगला करने का काम ये है कि आप इसकी जो है ना देख लें, ट्रेंड्स भी देख लें। वैसे चलें ये मैंने आपको सब नहीं कहा, लेकिन आपने क्या करना है, इसका ट्रेंड लाजमी जो है ना, ये स्टेप आपने भूलना नहीं है कि ट्रेंड देख लेना कि वो ट्रेंड है कहाँ उसका। तो शायरी का एटीट्यूड का ट्रेंड कहाँ होगा, होपफुली मतलब इंडिया में ही होगा शायरी, क्योंकि यानी इस तरह की रोमन उर्दू वही इस्तेमाल करते हैं, हिंदी उर्दू जो भी है पाकिस्तान के बजाय हम इसको वर्ल्ड वाइड चेक करते हैं। देखिए इंडिया में 100, नेपाल में 28, पाकिस्तान में 17, तो हमने क्या करना है इंडिया को पकड़ लेना भाई, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे हम, शायरी एटीट्यूड में जाके हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सर्च सेटिंग्स में जाएंगे, सर्च सेटिंग्स में जाके शो मोर, यहाँ पे हमने जी इंडिया ढूंढना है, ये इंडिया आ गया, इंडिया को आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप जनाब ये आपके सामने शायरी एटीट्यूड आ गया, ठीक है। इसमें अब आप देख लें
DA 23 भी है, 15 भी है, 26 भी है, 16 भी, 17 भी, 9 भी, कमाल हो गया जी। सारे के सारे आपके जो कॉम्पिटेटर्स हैं सारे ही कमजोर हैं बेचारे, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, इसका केडी चेक कर लेना। क्या पता केडी हाई हो तो हमारा मामला वहीं का वहीं रह जाएगा, तो हम केडी को देखने आ जाएंगे। केडी को कहाँ देखें भाई, केडी को यहाँ देखेंगे, चेस रूम पेस्ट शायरी एटीट्यूड एनालाइज। उन्नीस जनाब, ठीक है। तो शायरी आपके सामने है, देखें आप, मतलब एक जगह नहीं निकला, दूसरी जगह निकला, दूसरी जगह नहीं निकला, तीसरी जगह आपको निकला। अब शायरी एटीट्यूड 19 है, ठीक है जी। केडी भी पास हो गया, ओह सॉरी वो मैंने डिलीट कर दिया। चलें यहां पे चले जाते हैं, क्या था शायरी एटीट्यूड, ये शायरी एटीट्यूड, ठीक है। इसमें अब 673,000 वॉल्यूम भी ओके हो गया, डीए वाली साइड तो सारी की सारी ओके हो गई और केडी भी ओके हो गया, और हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम निकाल सकते हैं। इसी तरह बेस्ट वाला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। वो बाकी आपने यानी एचआरएफ में जो है ना सिलसिला सारा जो है वो करना है, ठीक है ना। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने कैसे जो है वो एचआरएफ में जाके सारा सिलसिला उसका निकालना है, ठीक है ना। तो साल के तौर पे इंडिया में आप जो है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जाके उसके रैंकिंग कीवर्ड्स आप सारे निकाल सकते हैं। आप एचआरएफ में चले गए, एचआरएफ में जाके आप जो है ना कीवर्ड्स एक्सप्लोरर में जा सकते हैं, कंटेंट एक्सप्लोरर में भी जा सकते हैं। आप कीवर्ड एक्सप्लोरर में चले गए, कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके आपने उस कंट्री को चूज कर लेना है। गूगल है ना, यहाँ भी यूनाइटेड स्टेट्स की जगह आप इंडिया कर लें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, किधर गया इंडिया, ये रहा इंडिया। अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे ये सर्च का बटन दबा देना है बस, तो जितने भी इंडिया के कीवर्ड्स होंगे आपके सामने आ जाएंगे, लाखों करोड़ों में आ जाएंगे जो टॉप सर्चेस होंगी। उसको आपने जो है ना वहां पे फिल्टर कर लेना है। अब यहाँ पे आप जो है ना केडी जो है ना कम से कम कर दें यार, चलो हमें जरा 1 to 10 तक केडी कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम आप कहते हो यार कम से कम जो है ना हमें 100 तो हो, चलो ये 100 हो गया। सर्च फीचर्स मैंने आपको बताया था एक्सक्लूड कर लें, उसमें हमें वीडियोस नहीं चाहिए, थंबनेल नहीं चाहिए, ट्वीट बॉक्स नहीं चाहिए, शॉपिंग रिजल्ट नहीं चाहिए, फीचर स्निपेट नहीं चाहिए, इमेज पैक नहीं चाहिए, इसे भी अप्लाई कर लें। ये आपके जो है ना 12 लाख कीवर्ड आ गए। अब आप फर्दर इसको करते जाएं, यानी जो है ना वर्ड काउंट आपके मिनिमम जो है ना भाई मुझे 2 चाहिए, इससे भी कम हो जाएगा। उसके बाद आप जो है ना एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, कोई वर्ड हैं जो आपने एक्सक्लूड करने हैं तो आप एक्सक्लूड कर लें, ठीक है। जो हमसे रेलेवेंट नहीं है, लोग जो है ना उसमें यानी कोई वीडियो का लफ्ज आ रहा है और कोई मतलब नॉन प्रोफेशनल वर्ड है, आप उन सबको जो है ना एक्सक्लूड कर लें, वो सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। और उसमें जो है ना आप जो है वो शॉपिंग, चलिए शॉपिंग तो हमने ओवरऑल ये सारे एक्सक्लूड हो। तो आपके पास जो है ना इस तरह, और यहाँ पे आप क्यों करते हैं, चलो यार केडी हमें और भी आसान थी, हमें जो है ना यार बस 1 to 5 तक चाहिए। अच्छा आपको एक और तरीका बताता हूँ, मसला क्या है कि यहाँ पे जब वर्ड ज्यादा होंगे ना हम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना यूं कर लें कि हम यानी मिनिमम को 5 वाले पहले फिल्टर कर दें, सिर्फ 5 तक केडी हो भाई जी हमारे पास आ गए। आप जो है ना वॉल्यूम बढ़ा दो यार, हमें जो है ना 1000 वाला चाहिए कम से कम भाई, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बिल्कुल कम हो जाएंगे, बाकी कीवर्ड्स का हमें कोई फायदा नहीं, जो कम वॉल्यूम के हो। अब जो है ना ये 64,000 रह गए, ठीक है। अब आप इसको आराम से यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर लें और उसके बाद जो है ना आप उनको आराम से जाके, अच्छा यहाँ पे जो है ना मोर फिल्टर्स देख लें, अगर जो है क्लिक्स पर सर्च इंक्लूड एनी वर्ड। अच्छा एक काम आप और कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है ना यू कर लें कि कम केडी मिनिमम टू 3 वाला कर लिया अप्लाई, ठीक है। तो 57,000 आ गया, पहले इसको एक्सपोर्ट कर लें,
अच्छा 25,000 हो सकता है लिमिटेड बैक टाइम। चलो भाई हम इसका भी हल आता है। यूं करते हैं कि हम जो है ना ये एक्सक्लूड कर लिया है, हम वर्ड काउंट वॉल्यूम चलो हम और बढ़ा देते हैं। हम यूं करते हैं कि हमें कम से कम जो है ना 5,000 चाहिए। चलो तो अब ये 7,000 रह गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये लेकिन ये 1-2 यानी मिनिमम टू 3 है, इसको आपने एक्सपोर्ट कर लिया ऑल। तो ये वाले ये एक्सपोर्ट हो गए, जरूरी बात इस पे तवज्जो दीजिएगा आप, ये तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अगला काम आपने करना है, ये एक्सपोर्ट हो गया, अब आप क्या करें 3 तक हो गए हैं, मिनिमम टू 3 केडी तक हो गया। अब आपने क्या करना है, मिनिमम 4-6 केडी वाले वो हमें चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप जो है ना वो ये वाले आगे इनको हमने एक्सपोर्ट कर लिया। उसके बाद 6 तक वाले हो गए, अब हम करेंगे 7-10 केडी वाले, उनको हमने फिल्टर कर लिया। ये भी आपके पास एक्सपोर्ट हो गए ऑल। तो इस तरीके से आप जो है ना वो हमने 1-10 लगाते ना तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 25,000 से ज्यादा हो जाएंगे तो हम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। हमने क्या किया, 1-3 तक कर लिया, फिर 4-6 तक कर लिया, फिर 7-10 तक कर लिया, और वो हमने बाकी फिल्टर लगाए। ये हमारे पास सारे कीवर्ड आ गए, वहां से अब आप जाके उनको फर्दर प्रोसेस में डाल सकते हैं, सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। सर्च वॉल्यूम के अलावा आप जो है ना उनका और यानी फिर केडी वगैरह देख सकते हैं। इस तरीके से आप ये इंडिया के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं सारे, यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है। ठीक है, नेटवर्थ है, एडसेंस का कीवर्ड है, उससे आप निकाल सकते हैं। नेटवर्थ में बहुत ज्यादा सर्च, आपने मतलब तो थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा यानी आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह आप लोग निकाल लेंगे। आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ताकि तो देखें नेटवर्थ है ना, आप नेटवर्थ में आ जाए। तो नेटवर्थ के अंदर भी ना ठीक ठाक वो है, यानी यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे ना तो ये देखें, डेविडो नेटवर्थ है, ड्रैग नेटवर्थ है, एलन मस्क नेटवर्थ है, बिस्किट नेटवर्थ है, काइन वेस्ट नेटवर्थ है, जेफ बेजोस नेटवर्थ, ये सारे के सारे आ गए। नेटवर्थ क्या होता है, लोग ये देख लेते हैं यार प्लानेट की कितनी दौलत है भाई, ये भी लोग सर्च कर रहे होते हैं। आप इनमें से कोई आइडिया देख सकते हैं, लेकिन उनमें कोशिश करें कि ऐसे हो जो कि शुरू में ही गूगल ना बता दे, तो वो ज्यादा बेहतर है। मिसाल तो बिल गेट्स का करेंगे ना, शुरू में ही गूगल बता देगा, ये देखें 12,000 करोड़ US डॉलर, तो ये मतलब उसको यही अपना आंसर मिल गया, तो फिर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि वो आगे जाए ना। तो जाते हैं फिर भी लोग, लेकिन थोड़ा सा यानी होता है कि चलो यानी अगर ये गूगल यहाँ ना बता रहा हो किसी की नेटवर्क, तो वो वाला कीवर्ड ज्यादा अच्छा है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह कन्वर्टर्स हैं, आप कन्वर्ट यहाँ पे ना आप जाएंगे, मैंने आपको बताया था कंटेंट एक्सप्लोरर में जाएं, कंटेंट एक्सप्लोरर में यहाँ जाके टॉपिक लिख दें नेटवर्क का, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और ये कहाँ होना चाहिए इन टाइटल हो जाए चले, ठीक है। और यहाँ पे आपने सर्च कर लिया, आगे फिल्टर लगा दिया, आपको नेटवर्क ही नेटवर्क मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप कन्वर्टर का जो है ना वो लगा दें, कन्वर्टर पे बहुत ज्यादा सर्चेस होती है, लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं एक तरह की फाइल दूसरी तरह की। यहाँ पे आप करें सर्च लगाएं, उसके बाद फिल्टर्स लगाएं, और आपको हजारों लाखों कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आप कहेंगे मैं एडसेंस की कौन सी साइट रखूं और कौन सी ना रखूं, तो आपको इंशाल्लाह, और बेस्ट यहाँ पे आप बेस्ट लगा दें तो आपको एफिलिएट की मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब आप लोग मुझसे अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं एक मिनट चैट ओपन कर लूं ताकि रीडायरेक्ट जो है ना उस पर आप बस लिख लें, रीडायरेक्ट को आप ना छोड़े नहीं, रीडायरेक्ट वाली वेबसाइट आप नोट डाउन कर लें, मैंने रिकमेंड किया है, इट इज रिकमेंडेड, इट इज मतलब रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी नो रीडायरेक्ट, ठीक है। बट इफ देयर आर एनी इट डजंट मैटर, आप वो वाली नोट डाउन कर लें, वो फिर हम उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट, जब हम अपनी स्टेज होगी हमारी जो सेकंड फेज या सेकंड और लास्ट फेज होगा हमारे ट्रेनिंग का, तो उसमें मैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि रीडायरेक्ट्स को भी फिर हम फर्दर देखते हैं कि कौन से रीडायरेक्ट्स
हर रीडायरेक्ट नुकसानदेह नहीं है, ठीक है, आप ये बात समझें। तो अगर कोई रीडायरेक्ट ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो तो जरूरी नहीं है कि वो को नुकसानदेह होंगे, वो वैसे बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, वो हम देख लेंगे उस चीज को। अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और लास्ट डेट क्या थी असाइनमेंट की? 23rd। अच्छा, मुझे जो है ना काफी रिक्वेस्ट आ रही हैं, ठीक है, तो के एक्सटेंशन के लिहाज से ना असाइनमेंट टाइम की, तो देखिए मुझे एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये है कि आप लोग थोड़ा सा ना मैंने शायद आपको प्रॉपर मोटिवेट मैंने इसलिए भी नहीं किया कि फिल्म में आप लोगों को जो है ना मतलब बंदा थोड़ा सा देख भी लेता है कि कौन कितना मतलब विलिंग है या सीरियस है, ठीक है। तो हमारी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड भी करेंगे, थोड़ा आपको मोटिवेशन लेवल भी आपका हाई हो जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा, तो आप में से कुछ को तो फिर ऑलरेडी पता होगा कि इस फील्ड की क्या वर्थ है, तो बाकी नहीं भी पता ना तो आपको इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे इस एक बार ये असाइनमेंट वाला फेज क्लियर हो जाए, उसमें जो है ना उसका रिजल्ट मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं आपको सेकेंड फेज स्टार्ट होने से पहले पहले मैं आपको इंशाल्लाह इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कोई क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक तो ये कि हम जो है ना बता दीजिए चले मॉड एपीके में है क्वेश्चन, या एपीके और मॉड एपीके का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो है ना कि वो चीज क्या है, या वो लोग क्यों सर्च करते हैं उसको, अबरार को क्लियर है, बाकी नूर को, मारिया, सादिया, आप सब क्लियर है? गूगल ट्रेंड पे डेटा अवेलेबल ना हो तो हम उस कीवर्ड पे काम करेंगे, बस उसका बाकी क्राइटेरिया ठीक होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम ठीक होना चाहिए और केडी वगैरह बाकी चीजें ठीक हों, ठीक है। बाज का गूगल ट्रेंड पे डेटा वो प्रॉब्लम होता है वेबसाइट का, या वैसे उसके पास कोई डेटा नहीं, उससे मतलब वो लोकेट नहीं कर पा रहा होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें लाजमी तौर पर ये कर लें कि आपका ना उससे कोई टेंशन नहीं है, ट्रेंड बेशक जीरो आए कुछ भी आए, गूगल ट्रेंड का मकसद हमारा सर्च वॉल्यूम क्लियर होना चाहिए, क्वेरी ठीक होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम अगर हमारा ठीक है ना तो गूगल ट्रेंड का जीरो होने का कोई टेंशन नहीं है। हाँ, उसमें एरिया जरूर देख लें, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, वो ये जो है ना यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो जगह है ना यहाँ पे अगर आपने लिख दिया मिसाल के तौर पे पीटीसीएल बिल, भाई ठीक है, और पीटीसीएल बिल में आपने ना सर्च कर लिया मिसाल के तौर पे अल्बानिया ऊपर सिलेक्ट है, तो क्या कह रहा है, योर रिसर्च डजंट हैव इनफ डेटा टू शो है, क्यों? क्योंकि आपने कंट्री अल्बानिया चूज कर लिया, अल्बानिया को पीटीसीएल बिल से कोई खर्च नहीं है, समझ रहे हैं आप ना, तो आप इसको लाजमी देखिए कि यहाँ आपका कंट्री तो ठीक है, यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड करें, आपने ट्रेंड हमेशा वर्ल्ड वाइड चेक करना है बस, और उसके बाद हमें गर्ज होती है पहले चार पांच मुल्क देखते हैं उसमें जो नंबर वन कंट्री है एडसेंस के अंदर उसको हम जो है ना चूज कर लेते हैं, एफिलिएट के अंदर हम देखते हैं कि टॉप फाइव कंट्रीज में टायर वन कंट्रीज में से कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स अगर है तो हम उसको ले लेंगे, लेकिन बेशर्त है कि उसका ट्रेंड इतना कम भी ना हो ना, ट्रेंड उसका कम से कम चले 30-40-50 तो हो, ये तो बहुत ही कम है, समझ रहे आप मेरी बात, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। बाकी अगर आपने वर्ल्ड वाइड भी ठीक चूज किया है, आपने यहाँ स्पेलिंग में भी गलती नहीं की है, बाद में पता आप स्पेलिंग में गलती कर देंगे, ठीक है, आपने पीटीसीएल बुल कर दिया मिसाल के तौर पर और एंटर कर दिया, तो पीटीसीएल बुल जो है ना ये भी आपको कोई सर्च नहीं देगा क्योंकि आपका वो बिल गलत हो गया है, ठीक है ना। इसी तरह आपने जो है ना अगर जहां पे पीटीसीएल के बजाय ना बीटीसीएल कर दिया, बीटीसीएल बिल कर दिया, बीटीसीएल बिल जो है ना ये जो कि बीटीसीएल बिल तो खैर किसी और मुल्क का होगा, देख लेते हैं, अच्छा बांग्लादेश टेलीकॉम कंपनी का आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई गलती कर दी स्पेलिंग के अंदर ना तो फिर ये नहीं हो सकेगा, यानी ये। अब आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आपका है?
कंट्री जो है ना, आप उसमें अगर जेन्युइन में जीरो आ गया है, सर्च वॉल्यूम ठीक है, तो आप एचरेफ में जाएंगे, एचरेफ में जाके देखेंगे कि ज्यादा जो मेरी स्क्रीन अभी शेयर्ड है ना आपके साथ, ठीक है, तो आप जो है ना क्या करेंगे, एचरेफ में चले जाएंगे, एचरेफ में चले गए, यहाँ पे आप जाके जो है ना आप चले गए साइट एक्सप्लोरर में। मिसाल के तौर पे चले, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने कोई भी कीवर्ड ले लिया, आपने कीवर्ड ले लिया है बास्केटबॉल, चले बास्केटबॉल गेम टुडे, मिसाल के तौर पर यह आपका कीवर्ड है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी इस कीवर्ड का ना, मिसाल के तौर पर आपको कोई सर्च वो नहीं मिल रहा, ट्रेंड नहीं मिल रहा, ठीक है, ट्रेंड नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, इसको करना है कॉपी, सॉरी कॉपी नहीं करना, आपने यहाँ पे पेस्ट किया, सॉरी पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद ये जो वेबसाइट आ गई है ना, जो भी आ गई आपकी सेटिंग्स जो भी हो, जिस मुल्क की भी हो, डजंट मैटर, आपने क्या करना है कि वहां पे जो वेबसाइट्स हैं इनमें देखना है कि टॉप की जो दो तीन वेबसाइट्स हैं वो ले लेनी है, ये टॉप की वेबसाइट है, इसको आप कर लें कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद आप चले जाएं साइट एक्सप्लोरर में, साइट एक्सप्लोरर में जाके आप इसको पेस्ट कर दें, पेस्ट करने के बाद इसको ओके कर दें, ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसके यहाँ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसके कीवर्ड ज्यादा है, ये काफी अच्छी साइट है, इसलिए इसमें टाइम ले रहे हैं। ये आगे 1.7 मिलियन कीवर्ड्स हैं, इसको आप क्लिक करें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को, ये देखें कि सबसे ये वो कीवर्ड्स हैं जो के रैंक कर रहे हैं इस वेबसाइट के, ये 42,000 कीवर्ड्स जो है ना यूके में रैंक कर रहे हैं, ये यूके की ट्रैफिक से रैंक कर रहे हैं, 69,000 कीवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया की ट्रैफिक पे रैंक कर रहे हैं, 97,000 ट्रैफिक जो है इस पे कनाडा से आ रही है, और 11,00,000 ट्रैफिक इस पे अमेरिका से आ रही है। इसका मतलब है कि आप ट्रेंड ट्रैफिक ट्रेंड इस कीवर्ड पे कौन सा लेंगे, ट्रेंडिंग कंट्री, आई होप ये क्लियर हो गया। ये उस मतलब ये आप वैसे भी यूज कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए, ठीक है, आपने ट्रेंड जो है ना वहां नजर भी आ रहा हो तब भी आप यहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तब भी आपको ये ठीक ही नजर आएगा। मिसाल के तौर पर पीटीसीएल बिल, आपको पता ना पीटीसीएल बिल कहाँ रैंक करेगा, तो उसमें आप जब यहाँ पे आएंगे तो वो मैं जैसे आपको दोबारा दिखा दूं, पीटीसीएल बिल वर्ल्ड वाइड पीटीसीएल बिल आप देखें, आप तो पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक हो गया, तो पाकिस्तान बता रहा है, लेकिन मिसाल के तौर पर ना बता रहा होता कहते जनाब पीटीसीएल बिल को यहाँ से कॉपी करते, कॉपी करके हम कोई भी गूगल में चला जाता है, हमें कोई टेंशन नहीं कि उसकी सेटिंग क्या है, यहाँ पे जाकर हमने पेस्ट करना था, एंटर कर लिया, उसमें जो हमारी सबसे अच्छी वेबसाइट होती है टॉप थ्री आप उनको देख सकते हैं, देख लेते हैं इसमें डीए किसका अच्छा है, ये तो खैर अमेजोन आ गया है, इसको छोड़ दें, टॉप थ्री में देख लें यार, बस ये डीए 47 इसको ले लिया हमने, कॉपी किया, कॉपी करके हम इसमें चले गए एचरेफ में, एचरेफ में जाके हमने इसको पेस्ट करके इसको हमने चेक कर लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पीटीसीएल बिल यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग कंट्री कौन सा आया था, पाकिस्तान, ठीक है जी, और वहां पे हमारे पास कौन सा आया ट्रेंडिंग कंट्री, सबसे ज्यादा रैंक ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान से ना, 17,000 ट्रैफिक जो है ना वो या कीवर्ड जो है ना वो पाकिस्तान में रैंक कर रहे हैं, 1900 कीवर्ड्स अमेरिका में रैंक कर रहे हैं, 1,000 कीवर्ड्स इंडिया में रैंक कर रहे हैं, 776 कीवर्ड जो है कि यूके में रैंक कर रहे हैं,
क्लियरली पाकिस्तान जो है वो इसका ट्रेंडिंग कंट्री है, अगर हमें यहाँ पे ट्रेंड में पाकिस्तान या ट्रेंड ना शो कर रहा हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। और कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, एज जो है ना उसका आप इतना बड़ा मसला नहीं है, ये जो एज है ना आपने इसको चले इसको मैं सिलेक्ट एज देख लेते हैं इसकी। सॉरी, ये तो वो आ गया, आपने जो बताया था वो नहीं आया। HTTPS copy देखते हैं जी इसकी एज। एज जो है ना आप इसको खत्म कर दें जो एंड में है, सिर्फ इतना रहने दें, एज इसकी आएगी। आई एम नॉट अ रोबोट, चेक करें। अच्छा देखें, बात ये कि जो आईडी वाले है ना आईडी, ये इसलिए नहीं आ रहे कि ये स्पेसिफिक कंट्री वाइज डोमेन है। ठीक है, तो इस वजह से नहीं आ रहे। मैंने आपको बताया था कि डॉट पीके के नहीं आते, जो कंट्री वाइज डोमेन है ना उसके यहाँ पे नहीं आएंगे। तो यू कर लेते हैं इसको हम कॉपी एज चेकिंग ऑफ आईडी टीएलडी। इसमें भी चेक कर लेते हैं। आईडी टीएलडी हुएज में चले जाएं। ठीक है, और ये आईडी जो है ना ये आ गया हमारे पास, ये यूरोपीय यूनियन का आई थिंक। चले यहाँ चले गए, इसमें भी चले जाएं आप, और आईडी डोमेन डेलीगेशन डेटा, और इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। देखते हैं जी, ये डोमेन चेकर है, यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, चेक कर लें। आई एम नॉट अ रोबोट, डेफिनेटली आई एम नॉट अ रोबोट। क्रिएटेड ऑन, इसमें भी नहीं आ रहा। चलो जी, नेक्स्ट जाए डॉट आई डी, यहाँ पे हमने पेस्ट किया हुआ इस लुकअप। ये देखें जी, क्रिएटेड ऑन 4th जनवरी 2021। ठीक है, तो 4 जनवरी 2021 को ये वेबसाइट बनी है। ठीक है, तो ये हम जो है ना ये वाली यूज कर सकते हैं eurodns.com को, ये मैं आपको भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं। जो आपकी ये बात याद रखें, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी ना कहाँ पे, ये वाली, ये जो वेबसाइट है ये .com वालों के लिए बेस्ट है। ठीक है, लेकिन .pk अगर होगा ना तो उसके लिए मैंने आपको एक और वेबसाइट बताई थी। ठीक है, वो आप उसमें चले जाएंगे, और फिर कोई और अगर है .co.uk है, इसके लिए फिर आप किसी और में जाना पड़ेगा आपको। तो आप उसके लिए क्या करें, जो भी वर्ड हो ना, जैसे .pk है, तो आपने क्या करना है, .pk को आपने गूगल सर्च में जाएं। ठीक है, गूगल सर्च में आपने क्या करना है, .pk tld ये आप लिखेंगे और हु इज कर लें, .pk tld हु इज, ये आपने सर्च कर लिया, ये आपके पास जो है ना निकल आएगा कि कहाँ से आप उसका निकाल सकते हैं डेटा ना जाके, तो वहां से आप निकालेंगे फिर। ठीक हो गया, इसी तरह आपका अगर वो जो है ना डॉट कोई और वर्ड है, .co.uk
आपने आगे TLD WHOIS लिखे रहने देना है, वो आप सर्च करेंगे आगे सामने आ जाएगा कि आप यूके वाली जो डोमेन है उनका आप डेटा कहाँ से देख सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी होगी वेबसाइट, ठीक है। हाँ .com वाली आप सिंपली वो जो मैंने आपको दो एक दो वेबसाइट बताई वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। हाँ इंडोनेशिया का जिनका भी है, मतलब आप ना जस्ट मैं बता रहा था कि वो आप जी .co वाली इसलिए नहीं आ रही ना कि आप उसको यहाँ पे देख लेंगे जाके, आप TLD WHOIS कर देंगे साथ, ठीक है। मसलन .co TLD WHOIS जो वेबसाइट आएगी ना वहां पे जाके आप जानो कि शुरू की जो दो तीन वेबसाइट आएंगी वो आपको डेटा बता देंगी, ठीक है। .id TLD WHOIS .co जो भी नाम हो आप उसका .co .uk TLD WHOIS इस तरह करके आप जो है शुरू की जो दो तीन वेबसाइट आएंगी तो वहां पे आप जो है ना वो उनका निकाल लेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कोई है। कोई इशू आपको एफिलिएट में तो कोई इशू नहीं है नीचे साइन करने। मुझे कुछ लोगों ने असाइनमेंट्स, मैंने ये कहा था ना कि आप कंप्लीट असाइनमेंट अभी ना भेजे, मुझे जितने आपसे 5-6-7 या जो भी कीवर्ड्स निकल रहे हैं वो आप भेजे ताकि मैं एक दफा देख लूँ कि आप लोग सही काम कर रहे हैं। तो वो जिन लोगों ने भी भेजे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा जरा मजीद मेहनत करें तो होपफुली वो निकाल लेंगे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं जी। बताइए एफिलिएट में क्या इशू है आपका। देखिए एफिलिएट में मैंने आपको बताया था कि आपने ना बेस्ट के हिसाब से, टॉप के हिसाब से या अमेजोन में सर्च करना है। मैंने देखिए मैंने आपको एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये ना आप अमेजोन में चले गए, अमेजोन में जाके जो ऑल का बटन है आपने ये दबा दिया, ये वाला, ये कैटेगरीज आ गई सारी, इनके अंदर जाके आप बेशुमार आइटम्स हैं, आप यानी किसी को भी देख सकते हैं। स्मार्ट होम में चले जाएं, सी ऑल कर लें, देखें ऑटोमोटिव आ गए, बेबी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, विमेन फैशन, गर्ल्स फैशन, लगेज, ठीक है। आप लगेज में चले जाएं मिसाल के तौर पे, उसमें जो है ना लगेज सेट्स, आप लगेज सेट्स में चले जाएं, बैकपैक्स हो सकते हैं, ठीक है, बैकपैक्स हो गए, अम्ब्रेलाज हो गई, डफल्स, अभी देखे डफल्स मुझे मतलब ही नहीं पता चले आपने खोल दिया कि क्या चीज है, ये आ गए डफल DUFFEL। तो अब आपने क्या किया, ये एक वर्ड आ गया, इसकी आपने एवरेज देख ली, तो एवरेज प्राइस जो है ना इनकी आई थिंक ठीक है, ठीक है ना, प्राइसेस इनकी यहाँ पे थोड़ा सा वो ये वाले थोड़े से सस्ते हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल देखें तो हमें यानी इनमें अच्छे यानी कॉस्टली भी नजर आ रहे हैं ज्यादातर 50, 60, 70, 80 प्राइस में चले इतना ना जाए। अब ये डबल है कैसा वर्ड है, जरा यूनिक से DUFFEL। तो अब हम चले गए अपने इसमें जाके, अब हमने जो है ना चले गूगल इंस्टेंट पे चले जाएं, बेस्ट डबल, ये देखें बेस्ट डबल बैग फॉर मैन, एक ये आ गया हमारे पास बेस्ट डबल बैग फॉर, ये आ गया, ठीक है, एक हमारे पास फॉर मैन भी है ओवरऑल भी है, तो आप मैन वाला ले लें। तो इसका देखिए हमारे पास कीवर्ड वॉल्यूम इसका ठीक है क्योंकि हमारा 1000 से ज्यादा होना चाहिए। इसको अब आप लेके कॉपी कर लें, इसका अब हमने जो है ना जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है ठीक ना आया, हो सकता है ठीक है, मुझे नहीं पता। तो कीवर्ड कहाँ चला गया यार, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल वी करके आप एनालाइज करके देख लें, डिफिकल्टीज ज्यादा हुई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि हम इस तरीके से कि कीवर्ड डिफिकल्टीज की 40 है, जिसको तो हमें ये लेना नहीं है, लेकिन क्या होगा हम क्या करेंगे कि यहाँ से ना यानी आप वो कर लें डफल बैग बैकपैक, ये आ गया डफल बैग फॉर वेमेन आ गया, डफल बैग स्मॉल आ गया, डफल बैग लार्ज आ गया, इनमें से कोई जो है ना आप ले लें, डफल बैग फॉर जिम ले लें, जो आपको लगे कि ठीक है रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट करें और यहां से जो है ना वो सारे उठा लें बेशक, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको
उसके बाद जाके ना आपने उनसे सर्चेस कर लेने, डफल बैग स्मॉल या डफल बैग फॉर जिम कर लिया चले, और इसको जाके आप जो है ना वो कौन सा था, ये था, यहाँ पे आप दोबारा देख लें, ये भी नहीं हो रहा तो हम डीए से हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे जाके, जो ये भी हाई आ रहे हैं, इसका मतलब है हम रिवर्स इंजीनियरिंग के बगैर हमारा चारा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना सबसे कम डी वाली साइज देखेंगे, अगर हमें कोई मिल जाए तो ये 34 वाली नजर आ रही है, इसको यहाँ हमने से कॉपी किया, कॉपी करके अब हमने क्या किया जनाब, अब हम चले जाएंगे मॉज में, और मॉज में जाके अब हम ये जगह ठीक है पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट करके यहाँ पे हम रूट डोमेन कर लेंगे, उसके बाद एनालाइज कर लेंगे। जी उसने जो है ना हमें देखें निकाल दिए डिफिकल्टी वाले, कम डिफिकल्टी वाले के सारे, ठीक है, इनको आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। सिर्फ मैं मेथड बता रहा हूँ, हो सकता है ना निकले, हो सकता है निकल जाए, यहाँ से आपने जाके जो है ना वो ओपन कर लिया, ये हमारे पास निकल गए कम डिफिकल्टी वाले, ठीक है, इनको आप डिलीट करते हैं, डिलीट कर लें, इनको भी आप डिलीट करते हैं, डिलीट कर लें, और जो है ना यहाँ से आप जो है ना इनको फिल्टर कर लें डिफिकल्टी के हिसाब से, कस्टम सॉर्ट में जाके डिफिकल्टी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये हमारे पास आ गए, ठीक है, और यहाँ से लेके अब हमने जो है ना वो सॉरी एफिलिएटेड 20 तक, ठीक कॉपी कर लिया, हो सकता ना मिले, मैं जस्ट आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड से आपने फर्दर आगे जाके यहाँ चले गए, यहाँ जाके आपने जो है ना वो रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने के बाद आपने गेट मैट्रिक्स कर लिया, यहाँ पे मिनिमम आपने 1000 रखा, मिलता है ठीक है, नहीं मिलता डजंट मैटर, कोई नहीं मिला ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, इसी तरीके से आपने जस्ट मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, कि आपने अमेजोन में जाना है, अमेजोन में जाके आपने फर्दर जो है वो सर्च करना है इसी तरह जाके, ठीक है, आप अमेजोन में चले गए, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, amazon.com मैंने इसमें बताया था, सॉरी हाँ ये रहा, अब इसके अंदर नहीं निकल रहा कोई मसला नहीं, आप इसमें वापस चले जाएंगे लगेज में, लगेज में और हजारों चीजें हैं, ठीक है, लगेज में आप जो है ना बैक पैक्स ले सकते हैं, गारमेंट ये ले सकते हैं, किड्स लगेज ले सकते हैं, अम्ब्रेलाज ले सकते हैं, मैसेंजर बैग ले सकते हैं, लगेज सेट्स में जा सकते हैं, उनमें फर्दर आके आप घूमें, ठीक, उसमें ना मिले आप कहीं और चले जाए, मतलब बहुत है, यानी इसमें तो जो है ना आप जो है मेंस फैशन में चले गए मिसाल के तौर पर, शूज में चले जाएं, यूनिफॉर्म्स में चले जाएं, एक्सेसरीज में चले जाएं, वहां जाके फिर बेस्ट लगा लगा के आप देखें, ठीक है, दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी एचआरएफ का तरीका बताया हुआ है कि आप एचआरएफ में जाके बेस्ट लगा के वहां पे भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपने एचआरएफ में गए, एचआरएफ में आप जाके उसकी कॉन्टेंट एक्सप्लोरर में चले जाए, ठीक है, तो आप जो है वहां पे उसको दोबारा कर सकते हैं बेस्ट लगा के, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, जी हम चले गए, सॉरी चीज बंद कर दी थी, खुला रहता अच्छा था, जी आप जो है ना कंटेंट एक्सप्लोरर में चले गए, कंटेंट एक्सप्लोरर में जाने के बाद आप यहाँ पे बेस्ट लगा दिया आपने, उसके बाद जो है ना इसको टाइटल में कर दिया, और उसके बाद यहाँ से आप सर्च का बटन दबा दें, सारे बेस्ट वाले वर्ड जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, पूरी दुनिया के टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है ना, और उनमें आप जाके फर्दर जो है वो फिल्टर लगा के कर सकते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट जो है ना वो वेबसाइट्स में लास्ट सॉरी लेक्चर्स में बता चुका हूँ। और दूसरा तरीका जो है ना वो है आपको गूगल इंस्टेंट का, वो भी मैं सिखा चुका हूँ, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ पे आप चले गए बेस्ट बेस्ट ए कर दिया, उसके बाद देख लिया कि क्या निकलता है, ये आ गए सारे बेस्ट एयर कूलर आ गया, बेस्ट एसी ब्रांड आ गया, ठीक है, आप बेस्ट ए कर सकते हैं, उसके बाद बेस्ट ए बी कर सकते हैं, फिर बेस्ट ए सी करेंगे, फिर बेस्ट ए डी कर देंगे, ठीक है, बेस्ट ए ई करेंगे, बेस्ट ए एफ करेंगे, उसके बाद फिर बेस्ट बी ए, बेस्ट बी बी, बेस्ट बी सी, ठीक है, बेस्ट सी से आ जाएंगे, बेस्ट सी जो देखें, बेस्ट कैमरा फोन 120,000, बेस्ट कैप्शन, बेस्ट कॉमेडी मूवीज, बेस्ट कैमरा फोन, बेस्ट क्रिप्टो करेंसी ऐप, बेस्ट कैप्शन फॉर बॉयज, फिर आप बेस्ट सी ए कर देंगे, तो बेस्ट कार अंडर 10 लाख वगैरह वगैरह, ठीक है, बेस्ट सी बी कर देंगे, बेस्ट सी सी करेंगे, वो निकलाएंगे आपको बेस्ट सीसीटीवी कैमरा, बेस्ट
इस तरह डिफरेंट आपके पास यानी हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ ऑप्शन जो है ना वो निकल जाएंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक ही दफा में निकल आएगा, आप 10 चीजें ढूंढेंगे तो 10 में से कोई एक आपके काम की हो, ठीक है, लेकिन ये कि इतना टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा मेहनत करें। एक दिन में आप मतलब इजीली जो है ना 15-15, 20-20, 50-50 निचेज एक दिन में निकाल सकते हैं। आई होप के एफिलिएट का भी इशू क्लियर हो गया है आपका। एफिलिएट का आप एक और भी इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जो है ना यानी amazon.com की रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। ये भी मैंने बताया था आपको, आप जो है वो साइट एक्सप्लोरर में जाएं। आई होप कि आपको याद आ जाएगा या आ गया होगा। आप amazon.com इसमें है ना सारी, इसको आप जाके साइट एक्सप्लोरर को सर्च करें, ठीक है। इसके बाद जो बैकलिंक्स है ना उसमें जाएं, वो कौन से हैं, वो वही हैं जो कि आपकी एफिलिएट की वेबसाइट्स हैं, उनमें आप चले जाएं। टाइम लगेगा लेकिन मेरे ख्याल आपको मेरी बात सुनिए, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ, आप आखिरी एक दो लेक्चर देखें, जो असाइनमेंट से पहले वाले जो एक दो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने सारे मेथड्स क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने क्लिक करके जो वेबसाइट्स आएंगी ना वो हमारी एफिलिएट की वेबसाइट्स होंगी, क्योंकि बैकलिंक्स का क्या मतलब है, उन वेबसाइट्स का मैं पूछना चाह रहा हूँ जिन्होंने amazon.com अपनी वेबसाइट में लिंक दिया हुआ है। वो किन लोगों ने दिया होगा, वो उन लोगों ने दिया होगा जो अपनी एफिलिएट की वेबसाइट्स जिन्होंने बनाई होंगी कि यार यहाँ से जाके फिर वो amazon के लिंक दिए होंगे कि वहां जाके आप हमारी मतलब जाके शॉपिंग कर लें। जब आप उनकी वेबसाइट से क्लिक करके amazon पे आएंगे तो जाहिर है amazon आपको कमीशन देगा एफिलिएट का, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है कि असाइनमेंट से पहले, मैं इसकी डिटेल अब दोबारा नहीं बताऊंगा, आपने असाइनमेंट से पहले वाले जो एक दो लेक्चर्स उनको देख लेना है, ठीक है। उसमें जाके आपने ये देखिए सारे आ गए, ठीक है ना, यहाँ पे आप जाके जो है ना इंक्लूड करवा लें वर्ड और फ्रेज, तो आप वो बेस्ट इंक्लूड करवा लें, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना वो आप लैंग्वेज जो है ना वो जस्ट इंग्लिश कर लें, ये आप बेस्ट इंक्लूड करवा लें, इंक्लूड हो गया, ठीक है। टारगेट आप फर्दर जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, लिंक टाइप जो है ना आप ये भी कर सकते हैं कि लिंक टाइप के अंदर आप जो है ना नो फॉलो वाले कर लें। नो फॉलो मींस कि वो हमारे यही होते हैं जो ज्यादातर एफिलिएट की वेबसाइट होती है, ये भी आप कर लें। इस तरह आप उस लेक्चर को देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फिल्टर करेगा और आपके सामने जो है ना वो सारी जो है ना वो लिंक्स वगैरह आ जाएंगे। इसको आप फर्दर यानी कर सकते हैं, ठीक है ना, फर्दर फिल्टर आउट आप कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया है, या थोड़ा सा टाइम लगाएगा जाहिर है और फिर ये निकालता जाएगा उस चीज को। तो आप इस तरीके से बेस्ट वाले वर्ड जो है ना वो सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, अगर रिजल्ट दिखा दे, नहीं तो बहरहाल आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि जाके वहां पे वन लिंक पर डोमेन भी कर सकते हैं कि हर डोमेन से एक लिंक आ जाए, चलो हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये चले करता है तो फिर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर वक्त आप मुझसे और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा नूर नबी, इसमें ये है ना कि ये हमारी मेन निच नहीं है, क्योंकि पता क्या होगा, बेस्ट गैरेज लाइट अंडर 5 के मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ वक्त के तौर पर, बाकी जो हमें बाद में जाके होगा वो ये कि एक होती है माइक्रो निच, एक होती है मैक्रो निच, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि फिल वक्त हम जो अपनी मेन निच है ना, हम वो बहुत ज्यादा यानी स्पेसिफिक नहीं करेंगे फिल वक्त। हाँ, ये जो आपने लिखी है ना, हमें इस, ये हमारा एक पोस्ट होगी, हमारा एक टॉपिक होगा या एक पेज हो सकता है हमारी वेबसाइट है जिसपे हम एक थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये पूरी वेबसाइट हम इसमें नहीं बना सकते, तो इसको हम मेन निच या मेन टॉपिक नहीं कहेंगे, ठीक है। ये हमारे फेलो कीवर्ड्स में आएगा। आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा आप। तो इस तरह जो है ना, यहां से आप जो है ना जस्ट इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करके आप फिर फर्दर जो है वो इसको निकाल लेंगे, ठीक है।
ये मैं लास्ट टाइम एक दफा बता चुका हूँ, आप उसको देखिएगा। यहाँ पे वो मेरे ख्याल इसने इसको नहीं माना, तो हम यहाँ ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। एनीवेज ठीक है, यहाँ पे बेस्ट कर लेंगे और फिर हम जो है ना इसको फर्दर जब हम फिल्टर करेंगे तो हमें बेस्ट वाले निकल आएंगे, तो वहां से आप आराम से उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अपने कीवर्ड भी वहां से देख सकते हैं। एफिलिएट वाले आपको एक ही दफा इस सर्च से बेशुमार मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल आप लोगों को मैंने कहा था कि 50 कीवर्ड्स या नीचे आपने फाइंड करनी है, एडसेंस की 50 करनी है, एफिलिएट की और 50 करनी है एपीके की या मॉड एपीके की। ठीक है, अब ये है कि आपको जो है ना मैं मुझे काफी रिक्वेस्ट आई है टाइम एक्सटेंशन की, तो काइंडली आप लोग थोड़ा सा सीरियस होके काम कीजिएगा। मैं जस्ट वंस मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और वो ये है कि 31 May 2021 11:59 PM PST। ठीक है जी, आई थिंक ये 31 का ही महीना है, ये 31 का ही है। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास लास्ट डेट हो जाएगी और इसके बाद जो है ना इसमें कोई फर्दर जो है गुंजाइश नहीं मिल सकेगी। ठीक है, तो काइंडली इसको कीजिएगा, हमने एक स्केड्यूल को फॉलो करना है और अल्लाह खैर करे तो इंशाल्लाह आप लोग अगर साथ चलेंगे तो आप लोगों को भी बहुत फायदा होगा और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से दुआएं देंगे। तो ये लास्ट डेट है और आई विल नॉट एक्सटेंडेड एनी फर्दर, तो आप प्लीज इस पे काम कर लीजिए और आप लोगों के लिए बेहतर है। होपफुली आपको फायदा हो रहा होगा और कुछ समझ भी आ रही होगी। ठीक है, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ईमेल पे कर दें, ईमेल पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाज़ का टाइपिंग में एक चीज़ को समझाना मुश्किल होता है, नो प्रॉब्लम, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिस्पॉन्स इंशाल्लाह मैं सेम डे ही देता हूँ और कोशिश होती है मैं विद इन फ्यू आवर्स में रिस्पॉन्स दे दूँ, क्योंकि मेरे क्योंकि और भी स्टूडेंट्स हैं तो वो इसलिए विद इन बहरहाल फ्यू आवर्स में रिस्पॉन्स पे भी बहरहाल दे दिया करता हूँ। ठीक है जी, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और असाइनमेंट तक के लिए मैं अभी ऑप्शन दे रहा हूँ और आप उस पर काम करें। 31 मई लास्ट डेट होगी, रात 12 बजे जैसे ही यकम आएगी तो मैं फर्दर फिर असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो असाइनमेंट सबमिट कराने का वही तरीकेकार है जो मैंने पहले बताया, वो फॉर्म दिया जा चुका है, उस पर आपने अपलोड कर देनी है और बाकी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर कोई आपको असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन है, लाइक 4, 5 या 10 नीचे आपने फाइंड कर ली है और आप मुझे कोई गाइडलाइन चाह रहे हैं कि सर ये ठीक है हम करते किसी पे काम कर लें यानी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, तो वो मैं आपको गाइड कर लूँगा। ठीक है, तो ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।